हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अंदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या ट्रैवलिंग ऑप्शंस हैं अगर आप मॉस्को से थ्री सिटी ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे थ्री स्टेट मेडिसिटी लोकेटेड है। तो इस साल ऑलमोस्ट अराउंड 250 स्टूडेंट्स इस सिटी में जाएंगे, और अगर आप इनमें से हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू वन ऑफ द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। और अगर आप फ्यूचर में सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो देन दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर यू। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑप्शंस आपके पास रहेंगे और कन्वीनियंट वंस एंड दी अदर वंस आल्सो। तो सबसे पहले जब से हम इंडिया से जाते हैं तो इंडिया से आपके पास काफ़ी फ्लाइट ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में यूजली एक ओनली ऑप्शन रहता है इज ये एरोफ्लोट एयरलाइन, जो कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट से मॉस्को तक लेके जाती है, SVO एयरपोर्ट। तो मॉस्को में बेसिकली चार एयरपोर्ट्स हैं जो मेन एयरपोर्ट्स हैं, और इंडिया से जो डायरेक्ट फ्लाइट जाती है एरोफ्लोट की, जो कि दिल्ली से मॉस्को 6.5 घंटे की आपकी फ़्लाइट होती है, तो वो SVO एयरपोर्ट पे लैंड करती है। फर्स्ट ईयर में हम एरोफ्लोट इसलिए रिकमेंड करते हैं कि बैगेज ज़्यादा होता है, और ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं तो एक बैच हमारी टीम मेंबर 60 बच्चों के जाता है। नाउ जैसे ही आप SVO एयरपोर्ट पहुँचते हो, सो SVO एयरपोर्ट जो है वो रशिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है मॉस्को के। तो वहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं त्वेर सिटी का, तो वो है अराउंड 156 किलोमीटर्स, और वहाँ से जो है डायरेक्टली बस चलती है। तो जो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मेन सबसे बड़े मॉस्को के, शेरमेटोवो और DME एयरपोर्ट, दोनों एयरपोर्ट से ही बसेस चलती है, लेकिन मेन स्टूडेंट्स जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो SVO एयरपोर्ट से आते हैं। तो SVO एयरपोर्ट से डायरेक्टली बस चलती है त्वेर सिटी के लिए। तो आपका जो फेयर रहेगा डायरेक्टली एयरपोर्ट से त्वेर सिटी तक का, वो आपका रहेगा 1100 रूबल्स। तो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है फर्स्ट ईयर में, तो हमारा लाइक हम बस बुक करते हैं बच्चों के लिए। सेकेंड ईयर से आप इजली जो है त्वेर से SVO एयरपोर्ट और SVO एयरपोर्ट से मॉस्को लाइक बसेस चलती है रेगुलरली, तो वो आप बुक कर सकते हो 1100 रूबल्स की आपकी टिकट होती है बस की। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन, और बस से तकरीबन 2 आवर्स लगते हैं, बीच में स्टॉपेज भी होता है, तो 2 आवर्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं। तो 156 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम SVO एयरपोर्ट टू त्वेर सिटी, एंड टोटल टाइम टेकन इज अराउंड 2 आवर्स, एंड द फेयर इज 1100 रूबल्स फॉर वन वे। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज, नाउ सपोज आप त्वेर में पढ़ रहे हो, आप मॉस्को विजिट करना चाहते हो, देन यू कैन ईजली ट्रेवल बाय ट्रेन। तो त्वेर सिटी से मॉस्को के लिए और मॉस्को से त्वेर सिटी के लिए ट्रेन चलती है त्वेर एक्सप्रेस, और दिन की लगभग 20 से 22 सबअर्बन ट्रेन चलती है, तो उनमें आप ट्रैवल कर सकते हो। इसका जो फेयर लगेगा, तो अगर आप मॉस्को से त्वेर जा रहे हो और आपका स्टूडेंट आईडी है तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है, तो अपनी जो टिकट होगी 300 रूबल्स की होगी। और आप जैसे त्वेर से मॉस्को जाते हो तो उसमें स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलता, तो वहाँ पर आपका फेयर जो लगेगा वो 600 रूबल्स आपका लगेगा। तो ट्रेन्स रेलवे स्टेशन से आप बैठ सकते हो, मॉस्को में लेनिनग्राद के रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आपको उतारती है। टोटल से जो फेयर लगता है 600 रूबल्स लगता है। इसमें जो आपका टाइम लगेगा 1 आवर 40 मिनट्स का ऑलमोस्ट आपका टाइम लगता है, तो 600 रूबल्स में आप इजली अप एंड डाउन कर सकते हो। जैसे हम रिसेंटली वीडियो भी डालेंगे, तो जैसे मैं भी काफ़ी बार त्वेर सिटी जाता हूँ, तो मेरा जो फेयर लगता है जैसे मैं मॉस्को से ही ट्रैवल करता हूँ यूजुअली, तो सिटी के लाइक सेंटर से, तो मैं जब भी वहाँ से जाता हूँ तो मेरा 600 का ही रूबल्स का फेयर आता है। हमने एक ब्लॉग बनाया भी था इसके रिगार्डिंग, और जल्दी आप हमारे चैनल पे वो भी देख पाएंगे, तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो ये था सेकेंड ऑप्शन, सो इसमें टाइम टेकन 1 आवर 40 मिनट्स, एंड द फेयर इज अराउंड 600 रूबल्स। अगर आपको स्टूडेंट आई डी भी नहीं, तब भी 600 रूबल्स आपका इसमें मैक्सिमम फेयर आएगा। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज वियर टैक्सी। सो टैक्सी लाइक इन दोनों ऑप्शन से लाइक अच्छा ऑप्शन नहीं है, लाइक बस का, और अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप डायरेक्टली बस बुक कर सकते हो, 1100 रूबल्स की बस बुक हो जाती है, डायरेक्टली आपको एयरपोर्ट तक वो पहुँचाती है SVO एयरपोर्ट तक, वैसे डायरेक्ट फ्लाइट होती है आपकी इंडिया के लिए। अगर आप जो सेकेंड एयरपोर्ट है DME एयरपोर्ट वहाँ जाना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आप बस ले सकते हो, सेम ही फेयर रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो DME एयरपोर्ट है वहाँ से कुछ फ्लाइट चलती है जैसे कि एयर अरेबिया और इथियार, तो वहाँ से अगर आप सपोज इंडिया में किसी दूसरे स्टेट से, सपोज आप मुंबई से हो, तो आप ऐसा भी ले सकते हो कि मॉस्को टू दुबई एंड दुबई टू मुंबई, तो ये वाला आप रूट भी ले सकते हो। फर्स्ट ईयर के लिए तो एरोफ्लोट से बजे ट्रैवल करते हो, तो ये दो ऑप्शन हो गए। थर्ड वे इज वी ऑफ कोर्स इन टैक्सी। अगर आप टैक्सी बुक करोगे तो उसमें आपका फेयर अराउंड 3,000 to 4,000 पड़ेगा, 3,000 to 4,000 रूबल्स फॉर वन वे। बट ये आपको ऑप्शन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आपको बस लाइक एयरपोर्ट जाना था बस से ट्रैवल कर सकते हो,
अगर आपको सिटी में आना है तो आप इजीली ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो कम्प्लीटली, वो आपकी चॉइस है। तो दीज आर बेसिकली ट्रैवल ऑप्शंस फ्रॉम मॉस्को टू ट्रेन सिटी एंड बैक एंड फोर्थ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल पर जाकर भी वीडियोस देख सकते हो। वी प्रोवाइड यू कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉप मेट्रो सिटीज इन रशिया एंड अबाउट रशिया इटसेल्फ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।